मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में स्थित है माता विजयासनी देवी का एक अद्भुत मंदिर। ऐसी मूर्ति और ऐसा स्थान है जहाँ पर आप पहुँचे तो आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको कहाँ रुकना है। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। सलकनपुर का माँ विजयासनी धाम प्रसिद्ध शक्ति पीठों में शामिल है। इसकी स्थापना का समय स्पष्ट रूप से नहीं पता, लेकिन इतना ज्ञात है कि इस मंदिर का निर्माण लगभग 1100 ईस्वी में गौंड राजाओं द्वारा किला गिन्नौरगढ़ निर्माण के दौरान करवाया गया था। प्रसिद्ध संत भद्रानंद स्वामी ने माँ विजयासन धाम में कठोर तपस्या की। उन्होंने नल योगिनियों की स्थापना कर क्षेत्र को सिद्ध शक्तिपीठ बनाया था। कहा जाता है कि राक्षस रक्तबीज के वध के बाद माता जिस स्थान पर बैठी थी उसी स्थान को विजयासन के रूप में जाना जाता है। नवरात्र में इस स्थान पर लाखों श्रद्धालु मन्नत पूरी होने पर चढ़ावा चढ़ाने, जमाल चोटी उतारने और तुलादान करने पहुंचते हैं। मां की प्रतिमा के ठीक सामने द्वारपाल के रूप में भैरव विराजमान है। यहां 500 वर्षों से दो दीपक लगातार जल रहे हैं, एक तेल का तो दूसरा घी का, एक सूर्य तो दूसरा चंद्रमा है। सलकनपुर माँ विजयासन देवी की शक्ति अद्भुत है। रोग दोष सब मिट जाते हैं। अद्भुत है ये महाशक्ति। यहां पर हर भक्त की मन्नत पूरी करती हैं माँ सलकनपुर देवी विजयासन माता। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको कहाँ रुकना है। मंदिर संस्थान द्वारा संचालित आनंद विहार में और बाहर बने अन्य होटलों में आप रुक सकते हैं, लेकिन धर्मशाला में रुकने का आनंद और सुख अलग ही होता है। जहाँ पर माँ की कृपा है, माँ का परिसर है और माँ की इच्छा से आप यहाँ पर आए हैं तो माँ आपका ख्याल जरूर रखती है। मंदिर संस्थान द्वारा संचालित धर्मशाला का निर्माण किया गया है जिसे 21 सितंबर 2015 को बनाया गया है। यहाँ पर ठहरने की उत्तम व्यवस्था है। आनंद विहार नाम से अतिथि निवास बनाया गया है। श्रद्धालुओं के लिए 400 रुपये में नॉन एसी रूम दो लोगों के लिए और 600 रुपये में एसी रूम मिलता है। 800 रुपये में विशेष रूम दिए जाते हैं और जो भक्त यहाँ पर आते हैं और रात रुकना चाहते हैं उनके लिए फ्री में हॉल मिलता है। लोग हॉल में भी रात गुजारते हैं और सुबह 5:30 बजे प्रथम आरती में शामिल होने के लिए जाते हैं। यहाँ पर एक ख़ास बात है कि यहाँ पर संपर्क करने के लिए कोई साधन नहीं है। किसी भी माध्यम से आप यहाँ पर ऑनलाइन कमरा रूम बुक नहीं कर सकते हैं। आप आइए और कमरे खाली हो तो आप ही को दिए जाएंगे। अतिथि निवास का लोकार्पण किया गया था 21 सितंबर 2015 को। इस तरह व्यवस्थित कमरा आपको मिलता है। ये
बाहर का दृश्य आप देख रहे हैं। यहाँ पर आप विश्राम कर सकते हैं। विश्राम के पश्चात माँ के दर्शन करने के लिए सीढ़ियों द्वारा रोप वे या सड़क मार्ग से आप ऊपर जाकर मंदिर में पहुँचते हैं और माता के दर्शन करने उपस्थित हो सकते हैं। माता रानी सब पर कृपा करती है। सुंदर मूर्ति है। 12 माह अखंड दीप प्रज्वलित होते हैं जिन्हें देखने से मन की मुरादें पूरी होती है और माँ का आशीर्वाद मिलता है। आंचल की छांव और आशीष देती है माँ विजयासन माता। बच्चों के दुख हरने वाली सलकनपुर की माँ विजयासन देवी सब पर कृपा करती है।